सद्गुरु कबीर के कुछ विचारों को लेकर आप लोगों के समक्ष निवेदन। आवाज आ रही, सेट करो, पंखा सेट करो। भरम नरम गरम और शरम, ये चार बातें हैं। किसी प्रकार के हमारे मन में भरम ना हो। भरम तो जानते हैं आप लोग, भरम भूत कहते हो ना, माताओं को अधिक भूत पकड़ती है, भूत पकड़ता है, चुड़ैल पकड़ती है। घर में कुछ हो जाए तो बस दौड़े दौड़े चले जाते हैं ओझा के पास, बैगा के पास, बाबा मारो हाथ देख दो। बाबा क्या हाथ देखेंगे। मन में किसी प्रकार के भ्रांतियां ना हो, हृदय नरम हो, मन में शरम हो और जेब गरम हो तो जानना आपका जीवन सफल हुआ। भ्रम का निवारण भ्रम से होता है। आपने देखा होगा गांव में किसी को भूत लग जाता है, आप ओझा बैगा के पास जाते हैं, आपको झाड़ देता है, आप ठीक हो जाते हैं। वो ऐसा ही है। एक उदाहरण देकर आप सबको सुना समझाऊं और उस उदाहरण को बड़े ध्यान से समझना, सुनने का प्रयास करना तो बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। शाम के समय घर के सारे लोग भोजन कर रहे थे। चूंकि दिन में अपना खेती व्यापार में सारे घर के लोग व्यस्त रहते थे और शाम के समय ही सारे एकत्रित होते थे और उस घर के सारे लोग शाम को बैठ करके साथ में भोजन किया करते थे। यूं तो कहा जाता है जिस घर में ईटिंग और मीटिंग साथ साथ हो उस घर में कभी कलह क्लेश नहीं होते हैं। क्योंकि जिस घर में भोजन साथ साथ करोगे तो मनभेद नहीं होगा। और उसी प्रकार किसी बात को लेकर अगर मीटिंग करोगे काम करने के पहले तो निश्चित जानिए वो काम भी सुचारू रूप से सफल होंगे। तो घर के सारे लोग बैठ करके शाम को भोजन कर रहे थे, कुछ हंसी विनोद कर रहे थे। हंसी विनोद भोजन के समय हो जाए ना तो भोजन अच्छा रहता। घर के लोग बात बात में ठहाका मार के हंसी विनोद कर रहे थे लेकिन घर का जो मुखिया था वो बात बात में ठहाका लगा करके हंसा करता था, ठहाका लगा करके, मुख खोल करके। एक समय ऐसा आया ठहाका लगा करके जैसे हंस रहा था उनके मुख में मक्खी घुस गई। मक्खी घुस जाना कोई बड़ी बीमारी नहीं लेकिन उसके ऐसा लगने लगा मेरे अंदर मक्खी घूम गई है, घुस गई है। और कभी पेट को पकड़ता, कभी सीनों को पकड़ता, सीना को पकड़ता, छाती को पकड़ता और कहता ये रही मक्खी, यहां पर उड़ रही है, वहां पर उड़ रही है। घर के लोगों ने समझाने का प्रयास किया, दादाजी, काकाजी, भैया जी, आपके अंदर मक्खी घुस गई है तो कब के मर गई होगी क्योंकि आपके जठर अग्नि से वो मक्खी जीवित रह नहीं सकती है। घर के लोगों ने तरह तरह का तर्क देकर के उनको समझाने का प्रयास किया लेकिन वह आदमी मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। और जहां पर एक भी मक्खी नहीं होती, अभी तक तो उनके अंदर मक्खी रहती थी, घूमती थी, उड़ती थी, अब जहां कोई मक्खी नहीं होती वहां पर भी डरने लगा कि यह मक्खी को उड़ाओ, इसको भगाओ, मेरे अंदर घुस जाएगी। और घर के लोगों ने सोचा ऐसे में तो आदमी पागल हो जाएगा। आसपास के जितने बड़े से बड़े डॉक्टर थे, वहां के जानकार लोग थे, उनको बुलाए। डॉक्टरों ने तर्क दिया, भाई साहब आपके अंदर मक्खी है नहीं। बड़ी बड़ी से बड़ी मशीनें लाई गई, सोनोग्राफी देखे गए, चेक किए गए। डॉक्टरों ने अपना तर्क दिया कि आपके अंदर अब मक्खी है नहीं, हमारी ये मशीन, हमारे ये सोनोग्राफी भी ये कह रही है कि आपके अंदर अब कोई मक्खी है नहीं। उस आदमी ने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारा तर्क तुम्हारे पास और तुम्हारी मशीन तुम्हारे पास, अरे मक्खी मेरे अंदर घूमी घुसी हुई है, मुझे अभी भी पता चल रहा है मक्खी पेट में उड़ रही है। अब ऐसे हालत में आदमी को समझाओगे किससे। घर के सारे लोग बड़े हैरान हो गए।
किसी संत ने कहा भाई इस आदमी को बजाय चिकित्सा की किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाओ। बात समझ में आ गई। उनकी पत्नी एक दिन अपने पति को लेकर के मनोचिकित्सक के पास गई और मनोचिकित्सक से कहने लगी कि जी एक बार ऐसा हुआ कि ये भोजन कर रहा था और भोजन करते करते एक मक्खी इनके मुख में घुस गई और तब से इनको एक भ्रम हो गया, वहम हो गया कि मेरे अंदर मक्खी घुसी हुई है, उड़ रही है। डॉक्टर समझ गया बात, उनको तख्त में लिटा दिया और लिटा करके कहा कि मैं पता लगाता हूं तुम्हारे अंदर मक्खी घुसी है कि नहीं घुसी है कि नहीं है। उसने आला निकाला, डॉक्टरों के पास आला होता है कान में जो लगाते हैं, उसको एक छोर को कान में लगाया, दूसरे छीर सिरे को पकड़ करके उनके पेट में ऐसे तैराना शुरू किया और तैराते तैराते एकदम आश्चर्यपूर्वक डॉक्टर ने कहा यार वो लोग कैसे थे और उनकी मशीन भी कैसी खराब मशीन थी। अरे मुझे तो आला लगाने से ही पता चल रहा है कि तुम्हारे अंदर मक्खी है। वो आदमी तो एकदम उठ के बैठ गए, डॉक्टर साहब आप मिल गए तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, अन्यथा घर के सारे लोग और सारे डॉक्टर तो मुझे मार ही डालना चाहते हैं। डॉक्टर ने कहा पता चल गई मक्खी है तुम्हारे अंदर, लेट जाओ। और बाहर उनकी पत्नी सोचती है कि ये तो बड़ा गजब का डॉक्टर है, मैं तो सोची थी कि इनका इलाज करेंगे लेकिन ऊपर से और बीमारी ये डाल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर मक्खी है ये कह रहे हैं। डॉक्टर ने अपने होठों पर उंगली रख करके कहा कि देवी तुम चुप रहो। और बाहर आकर उनकी पत्नी से डॉक्टर कहता है कि देख देवी एक बोतल ले जाओ, सफेद बोतल। डॉक्टर ने उसकी पत्नी को देते हुए कहा कि ले जाकर के कहीं से एक बड़ी मक्खी पकड़ के ले आओ। उनकी पत्नी कहती इसका करोगे क्या? डॉक्टर ने कहा प्रश्न उत्तर करने का समय नहीं है, तुम मैं जो कहता हूं वही कर करके चले आओ। उनकी पत्नी बाहर जाकर एक बड़ी सी मक्खी पकड़ करके उस बोतल में बंद करके ले आई, डॉक्टर को थमा दी। डॉक्टर ने उसमें डांट लगाते हुए उस मरीज के पास पहुंच गया और उस मरीज से कहा कि जी अब पता ही चल ही गई है तुम्हारे अंदर मक्खी है, ऐसे कर तू बता मक्खी अभी उड़ कहां रही है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब पेट में उड़ रही है। उन्होंने कहा तेजी से खासो ताकि मक्खी उड़ करके छाती में आ जाए। उस आदमी ने तेजी से खासा, डॉक्टर ने उंगली रख करके छाती पर इशारा करते हुए कहा अब मक्खी छाती पर आई। उस मरीज ने कहा जी डॉक्टर साहब अब मक्खी छाती पर आ गई। डॉक्टर ने फिर पूछा, फिर कहा कि अब तुम फिर तेजी से खासो ताकि मक्खी गले में आ जाए। और उस आदमी ने तेजी से फिर खासा, तब इशारा करते हुए डॉक्टर ने उंगली करके गले पर कहा कि गले पर मक्खी आई कि नहीं। जी डॉक्टर साहब अब गले पर आ गई। डॉक्टर ने उस मरीज को कहा आंख बंद करो और मुंह खोल करके तेजी से खांसना, मैं बोतल टिकाता हूं जिस बोतल में पहले से मक्खी पकड़ के लाई गई थी। उस आदमी ने आंख बंद की और तेजी से खांसा मुंह खोल करके। डॉक्टर ने जो बोतल में मक्खी पहले से पकड़ी के रखी गई थी उस बोतल को उनके मुख में टिका दिया और टिकाने के बाद उस आदमी को कहा अब आंख खोलो देखो कितनी बड़ी मक्खी। उस आदमी ने देखा बड़ी मक्खी बोतल के अंदर उड़ रही है, उसको देख करके तो आश्चर्य में पड़ गया, उनकी तो आंखें खुली की खुली रह गई, इतनी बड़ी मक्खी मेरे अंदर थी और ये घर के सारे लोग और सारे डॉक्टर और मशीन ये बताती थी कि मक्खी है नहीं। वो आदमी बड़े निश्चिंत तो हो गए, डॉक्टर के पैर चूमे, पैर में प्रणाम पर करते हुए कहा डॉक्टर साहब आप मिल गए तो मेरी जिंदगी बच गई, नहीं तो ये जिंदगी मैं जीवित रह नहीं सकता था। ठीक ऐसे ही अनेक भ्रांतियां हमारे अंदर घर कर गई है, देवी देवताओं के नाम पर, ईश्वर परमात्मा के नाम पर, जिंद चुड़ैल के नाम पर, टोना टोटका के नाम पर हम सब मानते चले जाते, जानते कुछ नहीं। हकीकत तो यह है कि जब आदमी डरता है तो उनके पीत मस्तिष्क में बढ़ जाता है और पीत जब मस्तिष्क में आदमी का बढ़ जाता है तो कुछ का कुछ बोलना शुरू कर देता है, जिसको आप भूत कहते। बचपना से जब आपको दिढ़ा दिया जाता है कि अमुक नीम के पेड़ के पास मत जाना, वो बरगद के पास मत जाना, अब बचपना से ही डर भरा हुआ है, कभी रात्रि में जाना हुआ तो उस लड़के को बिल्कुल भूत जैसा कुछ हो ही जाता। अब होता होता कुछ नहीं, अपना ही डर, अपने ही कपड़े के आवाज, अपने ही कपड़े के आवाज को हम ऐसा लगता है कि कुछ सरक रहा है, कुछ आवाजें आने लगती है।
और उसको हम भूत मान लेते हैं। ईश्वर परमात्मा के नाम पर न जाने कैसी कैसी जगहों पर हम चले जाते हैं, सदा दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। अब यहाँ के आदमी को द्वारका, सोमनाथ और तीर्थ धाम दूर दूर के बताओ तो उनको लगता है बिल्कुल परमात्मा तो यहाँ है नहीं, वही दूर में होंगे। लेकिन वो रामेश्वर वाले भी सोचता है भगवान रामेश्वरम में नहीं, और यहाँ के लोग रामेश्वरम में जाकर के शिव जी के दर्शन करना चाहते हैं। द्वारका में रहने वाले लोगों को द्वारकाधीश नजर नहीं आते, वहां के लोग रामेश्वरम चले जाते। हम जहां हैं वहां पर हमें परमात्मा दिखते नहीं। हमारा यह देश धर्म प्रधान देश कहलाता है, और धर्म प्रधान देश में 33 कोटि देवताओं की हम पूजा करते हैं। लक्ष्मी की पूजा करने वाला यह देश, कुबेर की पूजा करने वाला देश आज यहां गरीबी में जी रहा है। कारण क्या है जी? हमने लक्ष्मी की पूजा इसलिए की ताकि हमारे घर में लक्ष्मी का भंडार आए। हमने कुबेर की पूजा इसलिए की ताकि हमारे घर में कुबेर का खजाना आए। सरस्वती की पूजा हमने की ताकि हमारे बेटे के अंदर में विद्या का दान हो। अनेक भगवान और भगवती की हमने पूजा की। आपने कभी सुना है कि जापान के लोगों ने कोई लक्ष्मी की पूजा की? दुनिया का सबसे बड़ा धनाढ्य देश जापान और स्विट्जरलैंड, वहां के लोग नहीं जानते कि लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता है कि कुबेर की पूजा करने से धन आता है। वहां के लोगों के पास धन का खजाना गड़ा हुआ है। कारण क्या है? वहां के लोगों ने मेहनत की, उस देश के लोगों ने परिश्रम किया, वो किसी देवी देवताओं के भरोसे नहीं करे बैठे। और हम तो सोचते हैं अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, दास मलू का कह गए सबका दाता राम। जिसने दान, जिसने चोंच दिया है वो चुग्गा भी देंगे। आदमी आलसी और निकम्मा बने बैठ जाता और सोचता है भगवान हमको देगा। और वो भगवान की पूजा करने वाले पंडित भी आपसे प्रतीक्षा करता है कि कोई भक्त आएगा, दान करेगा, दान से हम मंदिर बनाएंगे। और भगवान ही देता तो मंदिर नहीं बना लेता क्या? लेकिन हम सोचते हमको जो मिल रहा है वो भगवान दे रहा। जहां भी जाओ वहां दान पात्र रहता, उस पंडित को विश्वास नहीं भगवान पर, इसलिए दान पात्र में ताला लगा कर रखता है। आपको जरूर कहेगा भगवान पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो, लेकिन उनको खुद को भगवान पर विश्वास नहीं। और भगवान पर विश्वास होता तो भगवान के दरवाजे पर ताला क्यों लगाएगा जी? विचार की कमी। हम धर्म अध्यात्म के नाम पर बैल हो जाते हैं, उस पर विचार नहीं करते। इस देश में टेक्नोलॉजी नहीं आई, विज्ञान नहीं आया। कारण क्या है? क्योंकि इस देश में हमने सोचा धर्म के पुजारी बन गए। पश्चिम देशों में ज्ञान के नाम पर विज्ञान हुआ, विज्ञान विकसित हुआ, और हमारे इस देश में धर्म के नाम पर अंधविश्वास पैदा हुआ। कारण क्या है? क्योंकि हम रह गए पिछलग्गू। हम एक दूसरे को देख करके चलना शुरू कर देते हैं। हम नकल नकल में अपना जीवन जीते चले जाते हैं, असल कुछ होता नहीं। और फिर चल गई तो चल गई, उस पर आदमी विचार नहीं करता। एक मियाँ थे, मियाँ जी रास्ते रास्ते कहीं जा रहे थे, उनको चाराना मिल गया, चवन्नी जिसको कहते हो। आज के बच्चे तो चाराना नहीं जानेंगे, चवन्नी जब एक किलो चाय आ जाया करते थे। वो गरीब जमाना था, उस समय का जमाना था जब चाराना उनको चवन्नी मिल गई, उनको बड़ी खुशी हुई। गया दुकानदार के पास, दुकानदार ने उलट पुलट के देखा, चवन्नी चूंकि खोटी थी। दुकानदार ने कहा यार चवन्नी खोटी है, और आदमी की ये आदत होती कि जो भी फटा नोट हो, खोटी सिक्का हो, उसको पहले चलाना चाहता है। और हजार हजार के 500 का नोट हो, हजारों नोट हो, उनको नहीं चलाता है, बल्कि एक सिक्का खराब हो या एक नोट फटा हो ना, बार बार सोचता है ये चल तो जाए। तो अभी तक तो उनको मिली हुई थी चवन्नी, तो बड़ी खुशी थी।
और दुकान में गया, चली नहीं तो उनको मन में थोड़ा पीड़ा हुई। और जो चवन्नी जो नोट चलता नहीं तो रात में अंधेरे में दुकानदार के पास चला जाता है आदमी, ताकि किसी भांति चल तो जाए। उसने टाकीज में फिल्म देखने के लिए गया रात्रि में शाम के समय, और टिकट देने वाला जो वहां पर बैठा हुआ था काउंटर में बैठा हुआ आदमी ने उनका उनकी सिक्का उनकी चवन्नी देख नहीं पाया और चवन्नी चल गई। और चवन्नी चल गई तभी तो मिली थी, इसलिए खुशी थी, मिल गई मिल गई। अब चल गई तो चल गई चल गई, किसी खुशी उनके अंदर छा गया। और जैसे ही जाकर के अंदर टाकीज में थिएटर में बैठा तो एसी रूम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, फिल्म देख रहा था, उसको झपकी भी आ रही थी, नींद भी आ रही थी। और आदमी को जब झपकी आती है तो उनको स्वप्न भी होता, तो मियाँ जी को स्वप्न भी होने लगा। वो अभी तक तो चवन्नी मिली थी तो मिल गई तो इसकी खुशी थी, अब चवन्नी चल गई तो चल गई का स्वप्न होने लगा। और आप सबका अनुभव है, जब अंदर में आदमी ज्यादा स्वप्न प्रगाढ़ हो जाता है तो मुख से भी निकलना शुरू हो जाता है। वो आदमी अभी तो अंदर अंदर स्वप्न देख रहा था, एकाएक उनके मुख से निकल गई चल गई। आसपास के लोग एकदम घबराए, क्योंकि हिंदुस्तानी पाकिस्तान की गोली बारूद चलने की बात हो रही थी। तो लोगों ने उनके मुख से सुना जैसे चल गई तो आसपास तो एकदम हड़कंप मच गया, लोग तो घबरा गए, वहां से भागे। कुछ लोग गिर गए, किसी के फुल पैंट फट गए, कोई गिर गए, किसी की टांगे टूट गए, दरवाजा छोटे थे, वहां से निकल करके भागने लगे। टाकीज के बाहर आया, लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहे गोली चल गई। टाकीज के बाहर आकर गली सकरी गली थी, वहां से चौराहे पर भाग गए। चौराहे के लोगों ने पूछा यार क्या हुआ, कहे सरकार गोली चल गई। वहां से चौराहे से होकर पतली गली से होकर के भागने लग गए। उस ढेर से पुलिस वाले आ रहे थे, पुलिस वालों ने पूछा भाई क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे, क्यों बात है, इतनी भगदड़ क्यों मच गया। कहे सरकार ये टाकीज वाले गली है ना, वहां से गोली चल गई है। टाकीज वाली गली में जाकर के पुलिस के अधिकारियों ने पूछा कि भाई कहां से गोली चली। कहे सरकार वो टाकीज के दरवाजे के पास से गोली चली। दरवाजे के पास जाकर पूछा यार गोली कहां से चली। कहे सरकार वो पर्दा के पास से गोली चली। पर्दा के पास जाकर पूछा रे बताओ गोली कहां से चली। कहे सरकार वो मियाँ जी बैठे वहां से गोली चली है। मियाँ के पास जाकर के पूछा रे मियाँ बता गोली कहां से चली। मियाँ ने कहा सरकार गोली वोली कुछ नहीं चली, हमारी चवन्नी चल गई। जीवन में ऐसा ही, हम केवल विचार नहीं करते, केवल सुन सुन करके बातों को अपने जीवन में करते चले जाते, हकीकत के तह तक पहुंच नहीं पाते। और हकीकत तो यह है कि हमें जो कुछ मिलता है वे हमारे कर्मों के परिणाम है। कोई भगवान, कोई भगवती, कोई शैतान नहीं देते हैं। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। भगवान भगवती के नाम पर आदमी जीव बलि करता है। अरे जड़े बताओ, जब हम अपने घर की माँ को खुश नहीं कर पाएंगे तो जगदम्बा को कैसे खुश कर पाएंगे। जब हम अपने घर के पिता को खुश नहीं कर पाएंगे तो परम पिता को कैसे खुश कर पाएंगे। लेकिन हम तो सोचते हैं कि परम पिता और जगदम्बा तो हमसे दूर है, और दूर की बात सुहाने लगते हैं। इसलिए जीवन में कभी किसी प्रकार के भ्रम में मत पड़ो। जातिवाद के नाम पर आदमी को आदमी नीच कहना शुरू कर दिया। इस देश का दुर्भाग्य रहा है, इस देश की वर्ण व्यवस्था। जरा सोचो, कहा गया कि हल्का मुट्ठी पकड़ने वाला, तेल निकालने वाला, मटका बनाने वाला, कपड़ा बनाने वाला, जूता बनाने वाला कहा अछूत। इस देश की कैसी व्यवस्था रही, एक भीख मांग कर खाने वाला आदमी, घंटा टंकोरी बजाने वाला आदमी अपने को बड़ा मान लिया। कर्मकांड और अंधविश्वास को अंधविश्वास की ओर ले जाने वाला व्यक्ति अपने को बड़ा मान लिया। कैसी व्यवस्था रही, जरा सोचो। एक आदमी चौराहे मैदान पर पड़े चाम को लाकर के जूता बनाया, उस जूता से हमने कंकड़ और कांटे से अपने शरीर की रक्षा की, और उस जूता को पहन करके अभनपुर के चौराहे पर टहलने वाला आदमी अपने को बड़ा मान लिया।
और उस जूते को बनाने वाला व्यक्ति को हमने अछूत कह दिया। एक मटका बनाने वाला आदमी सुंदर मटका बना करके हमको ठंडा पानी पीने के लिए ऐसा एक बर्तन बनाया और उस बर्तन बनाने बर्तन का तो प्रयोग किए सुंदर ठंडा पानी पीने में, और मटका बनाने वाले को हमने अछूत कह दिया। ये कपड़ा कोरी समाज जिन्होंने बनाया, उस कपड़े से हमारे शरीर की रक्षा हुई, उस कपड़े को पहन करके हम अभनपुर के चौराहे पर चमकने वाले हम बड़े हो गए, और उस कपड़े का निर्माण करने वाला व्यक्ति छोटा हो गया। ये कैसी व्यवस्था रही? और इसी व्यवस्था के चलते यह देश 5-5 हजार वर्षों तक चला है। हमें इस पर विचार करना चाहिए। धरती तल पर जो भी मनुष्य जन्मा है, न तो कोई छोटा है न तो कोई बड़ा है। प्रकृति ने सबको समान जन्म दिया है, लेकिन हम अपने को अहंकारवश बड़े मानते चले जाते हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं, तहिया हम तुम एक लोहु एक प्राण व्यापय मोहु। सद्गुरु कबीर कहते हैं, तहिया हम तुम एक लोह, हम और तुम एक ही प्रकार के, हमारे शरीर में लोहू बहता है। इसी प्रकार हमारे अंदर में ही वो परमात्मा रहते हैं, कहीं बाहर नहीं है। तुम खोज रहे हो वन में गिरी गौहर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। हम उस भगवान को बाहर खोजते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर ने कहा, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, धन जोवन का गर्व न कीजिए झूठे पचरंग चोर रे। साहेब कहते हैं, हर घट में उसी का वास होता है। एक व्यक्ति था, बाढ़ आई तो बाढ़ में वह आदमी फंस गया। वो भगवान का पुजारी था, उनके मन में हुआ कि सच्चे अर्थों में मैं अगर भगवान की पूजा की होगी तो भगवान मुझे स्वयं बचाने के लिए आएंगे। गांव के लोगों ने उसको बचाने के लिए आए, उन्होंने गांव के लोगों ने कहा, चलो बाढ़ आ गई है, आप डूब जाओगे मर जाओगे। उस आदमी ने कहा, नहीं, मुझे भगवान पर भरोसा है और भगवान मुझे साक्षात बचाने आएंगे। गांव के लोगों की बात को अनसुनी कर दी, धीरे धीरे पानी बढ़ता चला गया, एक मंजिल डूब गया। मंजिल डूब गया तो ऊपर छत पर चला गया। नौका से लोग आए और नाविक लोग कहे, भाई साहब चलो नौका में हमारे बैठ जाओ और इस बाढ़ में मरने के बजाय तुम यहां से बच सकते हो। उस पुजारी ने कहा, नहीं, मुझे भगवान बचाने आएंगे, साक्षात मुझे बचाने आएंगे, मैं पुजारी हूं, इसका प्रमाण भगवान जरूर आएंगे। कहा जाता है पानी फिर बढ़ता चला गया, अब छत पर भी पानी आने लग गया। फिर कहा जाता है एरोप्लेन से, वहां के जो सुरक्षा गार्ड था, सरकार की जैसी व्यवस्था थी, एरोप्लेन से उनको बचाने के लिए आए। सैनिक लोग सीढ़ी लगा करके वहां पर उतरे, पुजारी से कहा, पुजारी जी चलो हमारे ये एरोप्लेन में सीढ़ी के माध्यम से चढ़ करके यहाँ से अपने आप को बचा लो। उस पुजारी ने कहा, नहीं, मुझे भगवान बचाने आएंगे। कहा जाता है पानी बढ़ता गया, वो उस एरोप्लेन में चढ़ा नहीं, बढ़ता चला गया, बाढ़ आई, वो आदमी मर गया। कहा जाता है काल्पनिक कहानी है, बाढ़ से जब वो मर गया तो भगवान के पास जाकर के शिकायत करने लगा कि भगवान आप भी कैसे हैं, मैंने इतना विश्वास किया आप पर लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। भगवान ने कहा कि अरे मैंने तुमको 3-3 बार बचाने के लिए आया, लेकिन तुमको तो मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। पहली बार आपके गांव के लोगों ने देखा कि बाढ़ आ रही है, गांव के लोग आए और को समझाए कि भाई साहब यहां से चलो, पुजारी जी यहां से चलो, अपने जान बचाते हैं। आपने कहा भगवान आएंगे। उसके बाद नाविक लोग आए और कहा कि यहां से चलो डूब जाओगे मर जाओगे। आपने कहा भगवान आएंगे। फिर एरोप्लेन से लोग आए, उन्होंने कहा एरोप्लेन में चढ़ जाइए सीढ़ी के माध्यम से, आप अपने जीवन को बचा लीजिए। आपने कहा भगवान आएंगे। अरे मैं जो भी आपको बचाने के लिए आए थे वे सब मेरे ही रूप थे,
साक्षात मैं कोई मुरली लेकर आता, कोई चक्र व्यू लेकर आता या धनुष बाण लेकर आता, तब क्या जानते मैं भगवान आया हूं? इंसान के रूप में ही भगवान आते हैं आपको बचाने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन आपको इंसान में भगवान नजर नहीं आते। इसलिए मेरे मित्रों, जो भी हमारे पास है, जो लोगों जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, उन लोगों के साथ सुंदर वर्ताव करना ही भगवान की पूजा है। अलग से कोई ऐसा मुरलीधर, कोई धनुषधारी, कोई भगवान नहीं आएंगे। हकीकत तो यह है कि भगवान के भी हमारे पास जो धारणाएं हैं, अनेक अनेक प्रकार की धारणाएं हैं। एक मुरलीधर एक धनुषधारी को सोचता है कि मेरे भगवान तो मुरलीधारी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहली बार जब वृंदावन गए, तो वृंदावन में तो वहां कोई राम कहने वाला थोड़े, वहां तो राधा कृष्ण कहने वाला, और वहां कोई राम सीता की मूर्ति नहीं, वहां पर कृष्ण की मूर्ति रहती है। तो उनके साथ जो लोग गए थे, उन्होंने कहा, देखिए तुलसीदास जी, आप महाराज कृष्ण के मंदिर में आए हो, यहाँ भगवान का दर्शन कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा, मेरे भगवान तो राम है, धनुषधारी। और तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लियो। जब मेरे भगवान तो तब कहलाएंगे जब ये धनुष बाण ले लेंगे। तो देखो, हमारा अपना बनाई हुई धारणाएं होती, हमारा सिर तो वहां झुकता है जो हमारे अंदर बने हुए भगवान के सामने। दक्षिण भारत में चले जाइए, वहां पर राम या कृष्ण कहने वाले नहीं, वहां पर शिव उपासक होते हैं। आपके यहाँ जो देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, पश्चिम राजस्थान में चले जाइए, वहां पर जासोल माँ, जहाँ जानते भी नहीं होंगे, वहां पर भदरिया माँ है, जासोल माता जी है, आसाद माई है, न जाने यहाँ तो देवताओं की फैक्ट्रियां हैं, रोज बनती और बिगड़ती रहती। तो हमारा यह देश धर्म प्रधान देश कहलाता है। सदियों से हम भगवान और भगवती की पूजा करने वाला हमारा यह देश आज भी गरीबी में जी रहा है। कारण क्या है? तुम तथा कथित पंडितों से पूछो कि हमारा देश गरीब क्यों है, तो वह कहता है कि यहाँ के युवा युवती न तो भगवान को मानते हैं, न किसी प्रकार के वेद पुराण को मानते हैं। मैं कहता हूं, विवेकहीन विचारों को और वैज्ञानिक तथ्यों से दूर तर्कहीन विचारों को कैसे स्वीकार करेंगे जो बच्चे आज विज्ञान की आंखें लेकर के पैदा हो रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान करते हैं। तो जरा सोचो, चोरी करता है चोर एक किसी के घर में, तो क्या भगवान कराता है? किसी की हाय हत्या होती है तो क्या भगवान कराता है? मंदिर में आए दिन अपहरण हो जाते हैं। आपने सुना होगा बद्री के केदारनाथ के मंदिर में, बॉम्बे के एक बहुत बड़ा जौहरी था, उन्होंने 350 करोड़ का चांदी का पत्तल चढ़ाया हुआ था। पंडितों ने बेच खाए, क्या किया पता नहीं, वो चोरी हो गई। भगवान के शरीर में वो पत्तल लगाए गए थे, बात दबा दी गई, अखबारों में कुछ दिन आया था। तो ऐसी ऐसी घटनाएं आए दिन हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि साहब कहते हैं, धर्म के नाम पर हम विचार नहीं करते, और विचार न करने के कारण अंधविश्वास पैदा होता चला जाता है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में भी हमें विचार करने की जरूरत है। तो किसी प्रकार के मन में अंधविश्वास मत पालो। कई बार तथाकथित अंगूठी बेचने वाले चले आते हैं, हम अंगूठी पहनते चले जाते हैं, सोचते हैं कि अमुक मणि पहन लेने से घर में गरीबी दूर हो जाएगी, और एक दूसरे को पहने देखते हैं तो हमारे मन में भी होता है, हम भी पहन ले, हमारा उंगलियां सुंदर दिखेंगी। और नकल पर भी अकल की जरूरत होती है। दो लड़के थे, दोनों लड़के एक इंटरव्यू में फॉर्म भरे, उसमें से एक लड़का सदा होशियार था, परीक्षा जब भी देते अपने बलबूते पास होता, और एक लड़का बड़ा बुद्धू था, वो सदा नकल कर करके पास हुआ करता था। इंटरव्यू के लिए दोनों लड़के फॉर्म भरे, दोनों को बुलाए गए। एक लड़का को पहले बुलाया जो होशियार था,
इंटरव्यू के टीचर इंटरव्यू कक्षा में बैठा हुआ था, उस लड़का को बुला करके प्रश्न करना शुरू कर दिया। इंटरव्यू के टीचर ने पूछा, बता बेटा भारत के प्रधानमंत्री कौन है? उस लड़का ने कहा, सर नरेंद्र मोदी। मास्टर बड़ा खुश हुआ। मास्टर ने फिर पूछा, बेटा अच्छा वे आए कहाँ से? क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी बड़े दौरा में होते थे, कभी अमेरिका, कभी जापान, कभी भूटान, ये दौरा में सब किया करता था। तो उस समय वे अमेरिका से आए हुए थे। लड़का ने तत्क्षण उत्तर दिया, सर वे अभी अमेरिका से आए। फिर उन्होंने इंटरव्यू के टीचर ने प्रश्न किया, अच्छा बेटा ये बता पृथ्वी कैसी है? लड़का ने तत्क्षण उत्तर दिया, सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक गण अभी खोज में लगे हुए हैं। मास्टर बड़ा खुश हुआ, खुश होकर के कहा, अच्छा बेटा ये बता भारत को आजादी कब मिली? लड़का ने कहा, सर 1857 को लड़ाई शुरू हुई, 1947 को आजादी मिली। मास्टर बड़े प्रसन्न हुए। मास्टर ने कहा, बेटा तुम्हारी नौकरी पक्की। उस लड़का हंसते मुस्कुराते बाहर निकला, जहां पर बुद्धू बैठा हुआ था। बुद्धू ने देखा, यार ये मेरे मित्र बड़े हंसी मुस्कुरा रहा है, बात क्या है? जरूर पास हो गया होगा। मित्र से पूछा, मित्र ने बताया, मित्र मैं तो, मेरी तो नौकरी पक्की, मैं तो पास हो गया इंटरव्यू में। बुद्धू ने कहा, मित्र कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और क्या उत्तर दिए, मुझे बता दो। जीवन भर हम दोनों साथ में पढ़े हैं, बचपन का लंगोटिया यार हैं, और इस बार भी नौकरी लग जाएगी तो दोनों नौकरी करेंगे साथ में। बुद्धिमान को बात जज गई। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, पहला प्रश्न पूछा था इसका नरेंद्र मोदी। इतने में घंटी बज गई बुद्धू का जाने का। बुद्धू ने कहा, यार अब तो घंटी बज ही गई और प्रश्न उत्तर बताते रहो तो शायद लेट हो जाए, पहुंचने में फैल ही हो जाऊंगा, इसलिए ऐसे करे केवल उत्तर उत्तर बता दीजिए, मैं जाकर के वैसे ही क्रम सा बता दूंगा। तो बुद्धिमान ने कहा, मित्र तुम ठीक ही कहते हो, तो पहले प्रश्न का उत्तर नरेंद्र मोदी, दूसरा प्रश्न का उत्तर वे अमेरिका से आए, तीसरा प्रश्न का उत्तर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक गण अभी खोज में लगे हुए हैं, और चौथा और अंतिम प्रश्न 1857 को लड़ाई शुरू हुई, 1947 को आजादी मिली। लड़का ऐसे याद करता चला जा रहा है इंटरव्यू कक्षा में। इंटरव्यू के कक्षा के जो टीचर था, उन्होंने देखा ये लड़का चला आ रहा है कांपते हुए। आप सबका अनुभव होगा, जीवन में कभी परीक्षा दिलाए होंगे तो जब जब पहले तैयारी नहीं किए होते हैं तो आपके अंदर भी कपकपी छूटती है, पसीना छूटता, डरते हैं, हांफते हैं। वो लड़का भी कांप रहा था, हांफ रहा था। मास्टर जान गया ये लड़का पूर्व से तैयारी नहीं किया है, और कोई भी ऐसा ही बड़ा कर दो प्रश्न तो शायद ये कांप डर जाए और डर से दे ना पाए। जो अभी से कांप रहा है वो पता नहीं कौन से हालत में चला जाए। तो उनको बुला करके पीठ सहलाया। पीठ पर हाथ रखना मतलब आदमी को बड़े धैर्यता का प्रदर्शन करना, मतलब धीरज बंधाना। तो पीठ को सहलाया, थपथपाया और थपथपा करके कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जैसे ही मास्टर ने कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़का ने सोचा पहला प्रश्न शुरू हो गया। तो लड़का ने कहा, सर नरेंद्र मोदी। तो मास्टर को लगा, यार ये नरेंद्र मोदी कहाँ से आ गया, हमारे भारत का प्रधानमंत्री। फिर भी सोचा हो सकता है एक नाम का दर्जनों आदमी होते हैं एक गांव में, इनका नाम भी नरेंद्र मोदी हो। मास्टर ने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा बेटा आए कहाँ से? लड़का ने कहा, सर अमेरिका से। जैसे अमेरिका से कहा, मास्टर की बुद्धि ठनक गई। हमारा जो विज्ञापन है छत्तीसगढ़ लेवल पर है, अभी पूरा भारत में भी फैला नहीं, और ये कहाँ अमेरिका से चला आया। मास्टर को थोड़ी नाराजगी हुई और नाराजगी होकर के कहा, अरे भले आदमी तुम्हारी बुद्धि कैसी है? लड़का ने सोचा ये तीसरा प्रश्न शुरू हो गया। और उन्होंने कहा, सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक गण अभी खोज में लगे हुए हैं। मास्टर को अब बड़ी गुस्सा आया, और गुस्सा आदमी को जब आता है ना तो आदमी की वाणी बदल जाती है। उन्होंने कहा, मूर्ख तुम कब पैदा हो गए? तो लड़का ने सोचा ये चौथा प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा, सर 1857 को लड़ाई शुरू हुई, 1947 को आजादी मिली। इतना लंबा काल लड़ा उन्होंने। ठीक यही कहानी हम लोगों के जीवन की है।
हम भी दूसरे आदमी को कहीं बड़े पूजा प्रार्थना करते देखते, हम भी सोचते हैं जरूर कोई राज होगा, चले जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, करह विचार जो सब दुख जाई, जीवन में ये सब पर विचार करो। पूजा प्रार्थना करना अच्छी बात है, समय मिला घर की सेवा से सेवा के बावजूद तो मंदिर गए, तीर्थाटन किए, लोगों के वहाँ के पहराव ओढ़ाव देखे, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानकारी हुई, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये जरूर जानना और हृदय में बैठा लेना, घर में रही माँ बाप अगर आंसू बहाते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई परमात्मा नहीं जिसको आप दान करके किसी मंदिर में खुश कर सको। इसीलिए घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आदर हो, सम्मान हो, और जिस घर में बड़े बुजुर्गों का आदर होता है ना, वही घर स्वर्ग है। तो पहली बात, किसी प्रकार के मन में भ्रांतियां ना हो। दूसरा, हृदय नरम हो, मन हमारा नरम हो। नरम का अर्थ होता है हमारे किसी न किसी कार्य व्यवहार बड़े सुंदर हो। घर में जिन लोगों के साथ रहते हैं, वाणी में मिठास हो, नरम हो, और ये तब होगा जब हमारे हृदय में प्रेम हो, एक दूसरे के आदर करें, सम्मान करें। भाई भाई में अगर प्यार होगा ना, प्रेम होगा ना, तो भाई को भाई आदर करेगा। पैसा बड़ा बड़ा नहीं होता साहब, प्रेम में भले पैसा छोटा हो, पैसा थोड़ा हो, लेकिन प्रेम बड़ा होगा। और जिस घर में प्रेम होता है वहां भले पैसा छोटा हो जाएगा, धन बड़ा हो, धन छोटा हो जाएगा, पैसा छोटा हो जाएगा, संपत्ति छोटी हो जाएगी, प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाएंगे। दो भाई थे, दोनों भाई में बड़ा प्यार था। जैसे आप लोग रामायण में सुनते हैं भरत और राम के प्रति जो प्रेम था, महाराज राम और भरत, भरत को पता चला कि भैया राम मेरे कारण अयोध्या को त्याग करके जंगल की ओर चले गए हैं, जाकर के महाराज राम को मनाना चाहता है। भाई राम भी भरत को समझाता है, देखो भाई, पिताजी और माँ की आदेश है कि मैं 14 वर्ष का वनवास करूं और आप राजगद्दी संभालें। वो अयोध्या जैसी नगरी भी दोनों भाइयों के बीच में कंदुक बन जाते हैं, गेंद बन जाते हैं। कभी महाराज राम भरत की ओर उछालते हैं तो कभी राम भरत की ओर उछालते हैं। हमारे घर में तो 2-2 इंच जमीन बड़ा हो जाता है, भाई छोटा हो जाता है। 2-2 पैसे के लिए भाई भाई के गले में छुरी चलाते चले जाते, कैसी विडंबना है। ऐसा ही दोनों भाई में प्रेम था। एक दिन एक पड़ोस का एक आदमी आया और कहने लगा, यार कैसे जीवन जीते हो तुम लोग मुर्दे की भांति, जहां कोई फटकार नहीं वहां प्यार क्या करते होगे। होता है ना पड़ोसी में कोई कोई आदमी होते हैं जिसको आप क्या कहते हो, अकफुट्टा, जलनखोर। बाहर का आदमी कोई भी भड़काता है उससे प्रभावित हो जाओ ना, तो आपके घर को महाभारत बनाने में कोई देरी नहीं है। आप ये मत सोचना कि अयोध्या नगरी में कोई मंथरा थे। आप सब रामायण के अध्येता के माध्यम से जानते होंगे कि एक मंथरा के आ जाने पर अयोध्या जैसी नगरी भी दुख से भर सकता है, और राम जैसे पुत्र के पैदा होने से भी अयोध्या जैसी नगरी में खुशियां आ सकती है। वो मंथरा जब आपके घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति कोई भड़का रहा है, तो समझना आपके दरवाजे पर कोई मंथरा खड़ी हो गई है। यूक्रेन और रूस ये दोनों भाई थे साहब, लेकिन लड़ाने वाला कोई बगल में खड़ा आदमी अमेरिका यूक्रेन से कहता है कि लड़, जो भी हथियार की जरूरत पड़ेगी मेरे पास है, ले जा। ऐसे ही आपके घर में दो भाई भाई में, पिता पिता में अनबन है, और पड़ोस का आदमी कहता है लड़, पीछे मैं खड़ा हूं, और उस आदमी से आप प्रभावित हो जाते हैं ना, तो आपके घर को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए घर में रहे लोगों से भी सावधान की जरूरत है। आपके घर में काम करने वाले नौकर भी मंथरा बन सकता है, कई कई को भड़काने वाला कोई मंथरा
बन जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से भी सावधानी की जरूरत है। तो दोनों भाई में प्रेम था। पड़ोस का एक बूढ़ा आदमी आकर शिकायत करने लगा कि यार तुम लोग कैसे जीवन जीते हो मुर्दे की भांति, जहां फटकार नहीं वहां प्यार खाक करते होगे। छोटा भाई ने सुन करके मुस्कुरा दिया, कुछ कहा नहीं। वो आदमी शिकायत करके चला गया। बड़ा भैया कहीं बाजार गया हुआ था, बाजार से लौट करके आया शाम के समय। तब छोटा भाई ने कहा, भाई हम लोगों के प्रेम पद्धति को देख करके पड़ोस का एक बूढ़ा आदमी शिकायत कर रहा था कि तुम लोग कैसे मुर्दे की भांति जीते हो। बड़ा भाई बड़ा समझदार था, और जिसमें समझदारी हो भले छोटा हो वो बड़ा ही होते हैं। वो समझदार था, समझ गया लगता है कोई गलत बुद्धि के आदमी जो हम लोगों के प्रेम में फूट डालना चाहता। उन्होंने छोटा भाई से कहा, भाई हम लोग लड़ ले झगड़ ले और पड़ोस के जीवन में खुशी आ जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती, चलो लड़ ही लेते हैं। छोटा भाई ने कहा, भैया कोई कारण तो हो, बिना कारण के कैसे लड़े। बिना कारण के कोई लड़ता है क्या? जब भी सास बहु में, ननन जेठान में, दीरान जेठान में, जब भी कोई लड़ाई कोई भी झगड़ा बात बात में तू तू मैं जब भी हुए है ना, कोई कारण रहा है। तो छोटा भाई ने कहा, भैया कोई कारण तो हो। बड़ा भाई ने कहा, पगला कारण बनाया जाता है। छोटा भाई ने कहा, भैया मुझे तो आता नहीं, आप ही शुरू करें। तो दोनों भाई कुर्सी में बैठे हुए थे, बीच में टेबल रखा हुआ था, टेबल पर टेबल घड़ी रखी हुई थी। बड़ा भाई ने उस घड़ी की ओर इशारा करके छोटा भाई से कहा, भाई ये घड़ी मेरी है, देखो कैसा कैसा प्रश्न और उत्तर होता है। बड़ा भाई ने कहा, भाई ये घड़ी मेरी है। छोटा भाई ने कहा, हाँ भैया ये घड़ी आपकी है। बड़ा भाई ने कहा, पगला फिर झगड़ा कैसे, अरे तुम भी कहो, तुम कहो कि ये घड़ी मेरी है, मैं कहूं घड़ी ये मेरी है, तभी तो झगड़ा होगा जी, तभी तो लड़ाई होगी। ये बात सुनकर के छोटे भाई की आंखों से बरबस आंसू बहने लग गए, और भाई छोटा भाई कहने लगा, भैया ये छोटी सी घड़ी यदि आपकी है तो ये शरीर भी तो आपका है। जब मैं छोटा था, हम दोनों छोटे थे, माता पिता गुजर गए, मुझे गोदी में लेकर के हैंडपंप के पास जाते, कुआं के पास जाते, कुआं से पानी निकाल करके मुझे स्नान कराते, मेरे शरीर को तौलिया से पोंछते, स्वयं स्नान कर लेते, मुझे गोदी में लेकर के घर चले आते, सूखी रोटी और सब्जी स्वयं खाते, लेकिन दूध और दही की बारी आती तब कहते कि मेरे छोटे राजा के लिए है। कई बार आपके शरीर में भैया मैंने टट्टी और पेशाब कर दी, लेकिन प्रेम में कमी नहीं आई। कई बार आपकी आंखों में मैंने उंगली डाल दी, नखूनों से आपके शरीर को खरोच मार दिया, लेकिन प्रेम में कमी नहीं आई। तो आज ये छोटी सी घड़ी यदि आपकी है तो भैया इसमें हर्ज ही क्या है। आज ये घड़ी को लेकर दोनों भाई का प्रेम टूट जाए तो दुनिया में ऐसा कोई बाजार नहीं जहां पर हम प्रेम खरीद सकें, दुनिया में ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं जहां पर भाई भाई का प्रेम बनता हो। ये घड़ी आज नहीं तो बाद में कहीं पर जाकर के हम बाजार में खरीद सकते हैं। दुनिया में बहुत से फैक्ट्रियां हैं जहां पर घड़ियां बनती हैं, वहां पर बनाई जा सकती, लेकिन प्रेम क्या बनाया जा सकता है। दोनों भाई घी का व्यापारी थे। उसी समय एक आदमी घी लेने आया। छोटा भाई को बड़ा भाई ने कहा, भाई ऊपर घी में रखा हुआ है, घी मटका में रखा हुआ है। वो जमाना था जब घी में मटका में घी रखा जाता था। पश्चिम राजस्थान में आप जाना कभी तो सर्वाधिक घी की खपत पश्चिम राजस्थान में होता है, वहां पर बिना घी का भोजन बनता ही नहीं। और ये भी ख्याल रखना, जो मार्केट में आपका घी आता है ना 500 रुपए किलो में, ये कानपुर के फैक्ट्रियों से बनता है। ये सुअर और गाय के चर्बी से बने हुए घी को जीवन में अगर सुख चाहते हो तो कभी खाना मत। 10 किलोमीटर की एरिया में यमुना के किनारे वो सब मांस को पकाए जाते हैं। 10 किलोमीटर की एरिया में इतनी दुर्गंधी आती है। और ये सब चर्बी से तीन चीजें बनती है, एक तो स्ट्रेस चिपकाने का काम में आता है, दूसरा पेंट आप कलर करते हैं दरवाजे को, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज वो घी है।
कभी भोज भंडारा में जाते हो, घी खाते हो, तो जरा सोच लेना, न जाने किसके पाड़े का वो रक्त है या घी है, चर्बी है। तो अभी भी कुछ ऐसे मटका है पश्चिम राजस्थान में, कभी जाओगे पुराने से पुराने मटके, तो घी में उसमें पानी पड़ता नहीं, पानी ढलक जाता। तो वो जमाना था, घी मटका में रखा जाता था। तो छोटा भाई को कहा कि भाई ऊपर मटका घी का रखा हुआ है, मैं नीचे से पकड़ता हूं। ऊपर छोटा भाई चला गया और बड़ा भाई से कहा, भाई घी पकड़िए। बड़ा भाई पकड़ रहा था, उसके पहले छोटे भाई के हाथों से घी छूट गया, घी का मटका। घी का मटका पकड़ने में आया नहीं और ऊपर से छूट गया, तो होगा क्या, मटका टूट गया जमीन में आकर के, घी बिखर गया। घी जब बिखर गया तो ऊपर से छोटा भाई कहने लगा, भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, आप पकड़े नहीं थे, इसके पहले घी का मटका मेरे हाथों से छूट गया। बड़ा भाई ने कहा, नहीं पगला, अरे गलती तुमसे नहीं, तुम तो बहुत ठीक पकड़ा रहे थे, गलती मुझसे हो गई, मुझे पकड़ने में आया नहीं। अब बताओ ऐसी जगहों पर झगड़ा होगा जी? हम तो हमारे घर में गलतियां हम करते हैं, लेकिन बड़े भाई छोटे पर थोप देते हैं, छोटे भाई बड़े पर थोप देते हैं, ननंद जेठान पर थोप देती है, जेठान ननंद पर थोप देती है, सास बहू पर थोप देती है, बहू सास पर थोप देती है, और हम अपने को साफ पाक मान लेते हैं। झगड़ा यहां होता है, लड़ाई यहां होती है। कभी किसी की गलती हो जाए, उनको संभालने का अवसर दो। मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते। इसलिए कभी किसी से गलती हो जाए तो अवसर दो, समय दो। आदमी बदलता है साहब, पत्थर ना बदले बात समझ में आती है, लेकिन हर आदमी के हृदय होता है। इसलिए कभी किसी के घर में दो दो बात हो जाए, कहा सुनी हो जाए, तो जीवन में सुख चाहते हो कभी गांठे मत बनाना। गांठे बना लेने से वैसे ही जैसे माताएं अचार बना लेती है, एक महीने के बाद वो अचार बहुत स्वादिला हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब गांठे बन जाती, उनके साथ मैं बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो समझना वो अंदर ही अंदर मवाद बनते चले जा रहे हैं। जैसे आपके शरीर में कष्टुटी होती है, फोड़े होते, आप ऊपर से बेलादोना लगा देते हैं, पट्टी लगा देते हैं, अंदर ही अंदर वो मवाद, वो घाव बढ़ता चला जाता है, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन दर्द बना रहता है। वही गांठ जब आप सोने जाएंगे बिस्तर में, जब जब आप सोने जाएंगे वो गांठ आपको दर्द देगा। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सो कर मिलता किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा। जब जब आपके मन में कोई गांठे बनाए रहोगे, वो गांठ आपको सोने के पूर्व आपको गड़ेगा, दर्द होगा कि मैंने उनके साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ ऐसे किए। गांठे मत बनाओ। सुबह अगर किसी बात को लेकर के तू मैं हो गए, तो शाम को प्रणाम करके, साहेब बंदगी करके एक दूसरे से बातें शुरू कर लो। और सुबह कोई बात हो जाए तो पुनः शाम को साहेब बंदगी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा करके बातें शुरू कर लो। इससे आपका मन का हृदय खुल जाएगा, सामने वाले का पाप धुल जाएगा। एक घर में एक माई रोटी बना रही थी, माई जानते हो, आई माई बाई, ये सब माँ के शब्द होते हैं। आप राजस्थान में जाएंगे, बहन और माँ को बाई कहते हैं, यहाँ पर पत्नी को कहते हैं, राजस्थान में बाई कहे जाते हैं, महाराष्ट्र में आई कहे जाते हैं माँ को, और माँ को माँ कहे जाते हैं, यहाँ कहते ही हैं। तो एक माई रोटी बना रही थी, उनकी सास वहीं पर बैठी थी। रोटी बनाते बनाते एक रोटी जल गई, रोटी जल गई तो सास बैठी थी लेकिन कुछ कही नहीं। एक रोटी जली कुछ कही नहीं, दूसरी रोटी जली तो रोटी में तो धुआं बाद में उठा, सास में पहले धुआं उठना शुरू हो गया। वो तो एकदम झल्लाने लगी कि तू कैसी है, रोटी बनाने नहीं आती, अभी तक तो बहुत चुपचाप सुन रही,
लेकिन सास भी बड़ी होशियार थी। जब बहू को गाली देती रही, बहू कुछ नहीं बोल रही, बहू के माँ बाप को गाली देना शुरू कर दी। और कोई माँ नहीं चाहेगी कि उनकी माँ बाप को कोई गाली दे। बेचारी बहू तो अभी तक तो स्वयं को गाली दे रही थी, बात कुछ समझ में आती है ठीक है, लेकिन उनकी थारो तो माँ ऐसी, थारो बाप ऐसे। तब तो लगी बेचारी जिस परात से वो रोटी आटा गूंदी थी, वो परात को उठा करके दे मारी सास को। अब सास एक उधर चली गई, बहू इधर चली गई, ना ये बोली ना वो बोली। लेकिन उस घर की बड़ी परंपरा रही, बड़े बुजुर्गों से वो परंपरा आई थी सुबह उठ करके प्रणाम करने की। सुबह सुबह उठी बहू, आंख मलते हुए उनको ख्याल हुआ कि बड़े बुजुर्गों का हमारे घर में प्रणाम करने की आदत है। सासू माँ के खाट के पास जाकर के, सासू माँ अभी अभी उठ करके आंख मल रही है, पैर अभी जमीन पर रखी हुई है, और बहू जाकर के कहने लगी, सासू माँ साहेब बंदगी। सासू माँ आंख मलते मलते सोचती, वही कल वाले कल मुही ही तो कोई दूसरा है, कल तो ये परात उठा करके दे मारी थी, आज साहेब बंदगी कह रही है। और साहब किसी के चरणों में आप झुकते हैं ना, चाहे कितनों बड़ी गलती हो, आपके गले नहीं काटेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपके चाहे दुश्मन हो, और घर के माँ बाप कोई दुश्मन तो नहीं, आप उनके चरणों में पड़ेंगे ना तो आपको आशीर्वाद देंगे, उनके दायां हाथ आपके पीठ पर आपके सिर पर आ जाएंगे। और सास कहने लगी, बेटी मैं भी कैसी हूं, अरे मर जाऊंगी तो क्या, इतनी संपत्ति सिर में लेकर के चली जाऊंगी, लेकिन बेटी ख्याल रखना आजकल गेहूं बड़ा महंगा हो गया है, इसलिए दो रोटी के जगह केवल एक रोटी जलाया कर। किसी के प्रणाम कर देने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम होनी, बड़े लोगों का आदर होना चाहिए। महाभारत में भीष्म पितामह को प्रणाम करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर जाते हैं, युद्ध का भीम बज चुके हैं, बिगुल बज चुके हैं, अब युद्ध होने वाले दोनों तरफ से लड़ाई के लिए तैयारी हो चुकी है। इतने में धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा कि पितामह से आशीर्वाद ले लूं, पितामह के सामने जाकर के प्रणाम कहने लगा, पितामह प्रणाम। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्र विजयी भव। विजयी भव का आशीर्वाद जैसे ही भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन तो एकदम आपे से बाहर हो गया, पितामह ये क्या कर रहे हैं, हमारे दुश्मन को तुम विजयी भव का आशीर्वाद दे रहे हो। पितामह ने बड़ी अच्छी बात कही कि अरे मूर्ख, तुम क्या जानो प्रणाम का परिणाम क्या होता है, भले ही तुम्हारे विरोधी में, तुम्हारे दुश्मन के रूप में तुम्हारे बड़े भाई भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हैं, लेकिन तुम भी उनके सामने जाकर के प्रणाम करोगे आज तो तुमको विजयी भाव का आशीर्वाद देगा, लेकिन तुम्हें तो शर्म आती। तो बड़े बुजुर्गों का दुश्मन भी हो ना, उनके पैर छू लोगे तो आपके नाल नहीं काटेंगे, आशीर्वाद देंगे, इसलिए आज प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। तो मैंने शुरू किया था, जीवन में किसी प्रकार का भ्रम ना हो, दूसरा मन नरम हो, सबके साथ सुंदर वर्ताव हो, और तीसरा जेब गरम हो। जिनके पास पैसे होते हैं उनको सब जगह आदर मिल जाता है, डूबते हुए सूरज को देख करके आदमी दरवाजा बंद कर देता है। इसलिए कब जब भी किसी के साथ मिलो, बड़े मुस्कुराते हुए मिलो, हंसते हुए मिलो, कभी गाल चिपकाए हुए या बड़े मनहूस चेहरा लेकर के कभी बाहर ना निकलो। घर में आप पति पत्नी भड़े लड़ लो झगड़ लो, लेकिन दरवाजे से जब बाहर आओ ना, और किसी कुंवारे लड़के को लगे कि इनके पास ही स्वर्ग है। घर में कितनों लड़ लो झगड़ लो भाई भाई में, लेकिन पड़ोसी को पता नहीं होना चाहिए कि ये दोनों भाई में अनबन है। और जब पता चल जाएगा ना कि ये दोनों भाई में अनबन है, तब लड़ाने वाले भी कोई मंथरा खड़े हो जाएंगे। इसलिए आपके पास भले पैसे ना हो, लेकिन आपकी अपनी दरिद्रता को भी छुपा कर रखे, जगह जगह बताते मत फिरिए। तो जेब गरम हो, और तीसरी बात शर्म हो।
शर्म कहते हैं लज्जा को। लज्जावान व्यक्ति सबके पास आदर पाते हैं, और जिस व्यक्ति के लज्जा खत्म हो जाती है ना, उस आदमी का इज्जत घट जाता है। शूर्पणखा रावण की बहन थी, 8-10 स्त्रियों में कोई सुंदर स्त्री थी तो शूर्पणखा थी कहते हैं, और शूर्पणखा उसका नाम नहीं था, मणि कुछ प्रभा ऐसे कुछ नाम था उनका, लेकिन उनके कर्मों को देखते हुए उसको शूर्पणखा कहना शुरू कर दिया। क्योंकि जिसके पास शर्म नहीं रह जाती है ना, उसी को कहते हैं इसको तो नाक कट गए हैं, ऐसे कहते हैं ना गांव में, इनके तो नाक नहीं है, नाक नहीं है मतलब इनके तो कोई इज्जत नहीं है। तो लज्जावान व्यक्ति समाज में पूजे जाते हैं, और सिलवान बने, चरित्रवान बने, जिन महापुरुषों को हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो चित्र की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके चरित्र उज्जवल थे। रावण और राम के सामने ऐसी परिस्थितियां आई, लेकिन महाराज राम अपने ढंग से रास्ता बनाए और रावण अपने ढंग से रास्ता बना लिए। एकांत वन में शूर्पणखा आए और शादी का प्रस्ताव रखा, राम ने ठुकरा दिया, मां मैं तो शादीशुदा हूं, लक्ष्मण के पास चले जाइए। लक्ष्मण ने भी यही कहा, उतने में सीता के पास लपका क्रोध में आकर के, सीता की ओर जैसी लपकी तो लक्ष्मण के हथियार से उनके नाक कट जाते हैं। ये परिस्थितियां आई, शूर्पणखा कहने लगी इस एकांत वन में कौन देखता है, तुम मुझसे शादी कर लो, इनके तो ना तो माँ बाप हैं और ना ही कुछ है, ये तो निभा लेंगे। लेकिन उस परिस्थितियों में भी महाराज राम अपने को संभालते हुए उस शादी को ठुकरा दिए। रावण को उनकी बहन शूर्पणखा ने बताया कि वन में दो वनवासी आए हैं, उनके पास एक सुंदर स्त्री है, भाई वो स्त्री तो आपके पास होना चाहिए। रावण के मन में सीता के प्रति लोभ जग गया। परिस्थितियां दोनों के पास आए, वो परिस्थितियों को चुनाव किस ढंग से उन्होंने किया, उस रास्ते को तय कैसे किए, और यही कारण है कि रावण लंका जैसे राज्य के राजा होते भी हार गए। दो वनवासी उनके लंका में घुस करके मारे जाते हैं। महाराज राम वन में रह करके वनवासियों को अपने भाई बना लिए, सुग्रीव को भाई बना लिए, मित्र बना लिए, और हनुमान जी के लिए कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे भरत के समान प्रिय भाई हो। वनवासियों को भी उन्होंने भाई बना लिया, और रावण ने अपने भाई को भी दुश्मन बना लिए, और यही कारण है कि रावण का मौत का कारण हो जाता। तो हमारे घर में भी जिन लोगों के बीच रहते हैं, सुंदर वर्ताव करें, और सुंदर वर्ताव न करने के कारण वो हमारे दुश्मन हो जाते हैं, बैरी हो जाते हैं, फिर वही बैरी बैरी से मिल करके बड़े कुछ ऐसे कर जाते हैं जिससे हमारी हार हो जाती है। आप लोगों ने लगातार 3 दिनों से संतों के वचनों से लाभान्वित हो रहे थे, और आप सब संतों की विचारों को बड़े धैर्यतापूर्वक ध्यानपूर्वक सुने, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्राम के समस्त कार्यकर्ताओं को, समिति के सदस्यों को, हमारे राम प्रसाद जी है और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, नाम तो सभी का नहीं जानता हूँ, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एकता में बड़ा बल होता है साहब, आप लोगों ने दो दो पैसे जोड़ जोड़ करके कितनी अच्छे चार दीवारी और सुंदर ये सत्संग स्थल बनाए। आप शहर के अंदर होते, मोटर गाड़िया का की आवाज़ें होती, वहाँ पर डिस्टर्ब होता, लेकिन इतने अच्छी जगह की आप लोगों ने चुनाव किए, और चुनाव करके थोड़े थोड़े पैसे जमा करके संत गुरुजनों को बुलाए, इसलिए आपकी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप सब बाहर से, दूर दराज से, सुदूर प्रांतों से, गांवों से आने वाले माताओं को, बहनों को, जिन्होंने आकर के संतों के विचार को श्रवण किए, और जो भी सुने उसको अपने जीवन में उतारना, तौलना,
और तौल करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, तो निश्चित जानिए आज का लगातार 3 दिन